WWE और WWE के रेसलर्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं और वह भी एक आम इंसान की तरह ही होते हैं दोस्तों। इस दुनिया में हर किसी आदमी के पास कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें तो होती ही हैं और यह आम इंसान के साथ भी होता है। कोई ना कोई अच्छी आदत और कोई ना कोई बुरी आदत तो आप लोगों में जरूर होगी दोस्तों, और WWE के सुपरस्टार भी इससे अछूते नहीं हैं। कुछ सुपरस्टार की आदतें तो काफ़ी रहस्यमयी भी हैं दोस्तों। तो आइए आज मिस्टीरियस बुक के इस अंक में जानते हैं WWE के सुपरस्टार और उनकी कुछ खास आदतों के बारे में, जिन्हें सुन के आप हिल जाएंगे। मगर आज का अंक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल मिस्टीरियस बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही रोचक वीडियो के अपडेट भविष्य में भी पाने के लिए। तो आइए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को और जानते हैं सुपरस्टार के कुछ खास आदतों के बारे में। डेनियल ब्रायन। जी हाँ, यस यस यस, डेनियल ब्रायन एक बेहद ही सज्जन इंसान है और उन्हें पर्यावरण से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। वह हरियाली के आसपास ही रहना पसंद किया करते हैं और उन्हें भी शहर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उनकी तो एक खास आदत है, उन्हें मिट्टी से खेलना बहुत ही पसंद है। मिट्टी में नए नए पेड़ पौधे लगाना तो उनके आदतों में शुमार है दोस्तों। वैसे कई लोग बचपन में मिट्टी से खेला करते हैं पर डेनियल ब्रायन इसके विपरीत हैं। ट्रिपल एच को पूरी दुनिया जानती है। गेम नाम से मशहूर ट्रिपल एच के पास एक बहुत ही खतरनाक आदत है दोस्तों, वह है रात में उठकर वर्कआउट करने की। ट्रिपल एच रात में उठकर नाइट वर्कआउट किया करते हैं। कई बार तो उनका यह मानना है कि रात में जो वर्कआउट करते हैं वो उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जब भी ट्रिपल एच को नींद नहीं आती है वो अपने प्राइवेट जिम में जाके खूब वर्कआउट करते हैं दोस्तों। वैसे हमारा मानना है कि रात सोने के लिए है और रात को हमें अपने शरीर को आराम ही देना चाहिए। बीस्ट नाम से मशहूर ब्रॉक लेसनर WWE के खतरनाक रेसलर तो हैं ही, और इसके साथ ही वह WWE इतिहास के खतरनाक रेसलरों की लिस्ट पर भी आते हैं। ब्रॉक लेसनर पे हमने एक विशेष वीडियो भी बनाया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो ये बात जाके देख लीजिए। ब्रॉक लेसनर को WWE में एक बेरहम रेसलर के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि वह अपने प्रतिद्वंदी रेसलर पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते, और उनकी आदत तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। उनकी आदत है शिकार करने की दोस्तों, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वैसे तो किसान है ही, इसके साथ ही ब्रॉक लेसनर NRI के सदस्य भी हैं। जब भी ब्रॉक लेसनर अपने गाँव की तरफ जाते हैं तो वह शिकार करने निकल लेते हैं और वह हिरणों का शिकार किया करते हैं। बिल गोल्डबर्ग। WWE के बहुत ही मूल्यवान और लायन नाम से मशहूर गोल्डबर्ग WWE के बहुत ही महत्वपूर्ण रेसलर हैं दोस्तों। कहा जाता है अगर कोई इंसान बेवजह दीवार पर सर पटके तो आप उसे क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, गोल्डबर्ग की एक खास आदत है, वह है हेडबट लगाने की। कहा जाता था गोल्डबर्ग फाइट शुरू होने से पहले हेडबट लगाया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उन्हें फाइट करने से पहले मोटिवेशन मिल सके। कहा जाता है गोल्डबर्ग WWE के दिग्गज रेसलरों की लिस्ट में शुमार हैं। उन पर हमने विशेष वीडियो बनाया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके देख लीजिए। जॉन सीना। द फेस ऑफ WWE के नाम से मशहूर जॉन सीना WWE के बहुत ही महत्वपूर्ण रेसलर हैं। वह WWE की बड़ी हस्ती तो हैं ही, इसके साथ ही उनकी आदत भी बहुत ही खास है दोस्तों। उनकी आदत है टिक टैक खाने की। कहा जाता है टिक टैक वैसे तो बच्चों के लिए बनाया जाता है और बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जॉन सीना भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं और जॉन सीना तो काफ़ी बड़े डब्बे को लेते हैं और इसे खाते हैं। द रॉक। रॉक WWE के बहुत ही ताकतवर रेसलरों की लिस्ट में आते हैं। रॉक बेहद ही फुर्तीले हैं और उनका शरीर तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अपने शरीर को फिट रखने के लिए वह काफ़ी व्यायाम करते हैं और एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं। पर रॉक की खास आदत यह है कि वह चीट डे मनाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल भर रॉक को एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान करना पड़ता है, लेकिन एक दिन मिलकर वह जमकर खाया करते हैं, और वह जिस दिन चीट डे मनाते हैं उस दिन वह खूब दबाकर खाया करते हैं, अन्य दिन वह बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करते हैं। आंद्रे द जायंट। आंद्रे द जायंट आज हमारे बीच नहीं है, यह बड़े दुख की बात है दोस्तों। कहा जाता है आंद्रे द जायंट की बहुत अल्पायु में मृत्यु हो गई थी, उस समय उनकी आयु मात्र 46 वर्ष की थी। कहा जाता है आंद्रे द जायंट के पास भी एक खास आदत थी, वह थी दूसरों को खूब खाना खिलाने की। आंद्रे द जायंट एक सज्जन इंसान थे और वह खाने खिलाने के काफी शौकीन थे। आंद्रे की यह बात बताती है कि वह बड़े शरीर के साथ साथ एक बड़ा दिल भी रखा करते थे दोस्तों। आपकी इन सुपरस्टार के बारे में क्या राय है और आपको आज का अंक कैसा लगा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। क्या हम इसका अगला पार्ट बनाएं, अगर आप चाहते हैं हम इसका अगला पार्ट बनाएं तो यह भी कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।